सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्किटर्नल का एक और नया एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलो गाइस, आज का आर्किटर्नल का जो एपिसोड है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और गाइस, आज के इस वाले एपिसोड में सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए डालना है। हमारे पास ली का पल पहले से पड़े हुई है, मेटल जो है गाइस वो मैंने ऑफलाइन में काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक उतना पिघला नहीं है। पिघलने के लिए हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मेटल इन सारे फोर्ज के अंदर डाल के रख दिया है। बाकी आपको बताइए, दूसरे जो रिसोर्सेस है सिलिका पल और दूसरे जितने भी रिसोर्सेस है, वो सारे के सारे हमारे इस टेगो ने पिछले एपिसोड में हम लोग को इकट्ठा करके दे दिए थे। सो इसकी मदद से हम लोग जो है ना आज टेलीपोर्टर, सोल गन और दूसरी जो चीज़ें है गाइस वो सबसे पहले बनाने वाले। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे सोल बॉल बना लूँ भाई, 100 मुझे 100 सोल बॉल बनानी है। उसके बाद गाइस इलेक्ट्रॉनिक आई थिंक से सोल गन बनाने लायक जो है ना गाइस इलेक्ट्रॉनिक बन चुका होगा मुझे लग रहा है। ये मेटल, अरे मेटल नहीं पिघला है अभी तक। मैंने सारा मेटल तो यहाँ पे खींच लिया था ना इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए। 77 इलेक्ट्रॉनिक है, मेटल यहाँ पे खींचा है। चलो मेटल जो है ना गाइस वो शायद से यहाँ पे पिघलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक एक काम करते हैं ना, नीचे जाके हमारे जो शाइनों ने उसको टेम करके आते हैं। उसको टेम करने के लिए शायद से मुझे ये वाली जो बेरीज है ना, ये वाली बेरीज चाहिए होगी। मैं थोड़ी सी ये वाली बेरीज जो है ना वाइट वाली वो लेके जा रहा हूँ। और हम लोग फटाफट से यहाँ पे नीचे जाके हमारे जो शाइनोन है उसको टेम करने की ट्राई करते हैं। शाइनोन कहाँ पे देखी थी? अरे एक शाइनोन तो मैंने पिछले एपिसोड में मार दी थी, अभी बस एक ही शाइनोन बचे हुई है। मुझे पता नहीं है कि वो है कहाँ पे, गुम शायद से यही कहीं पे रही होगी, डिलोफोसोरस है यहाँ पे। भाई डिलो नहीं चाहिए, बाप रे इटर्नल भाई रुक जाओ, 2 मिलियन हेल्थ वाला डिलो है भाई, कोई आम डिलो नहीं है। वो कौन सा ट्राइक है? रोबोट ट्राइक भाई, उसने तो वहाँ पे तबाही मचा रखी है भाई। शाइनोन कहाँ चली गई मेरी? रुक जाओ गाइस, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। अपने पास ट्रैकिंग वाला मॉड है, इससे हम लोग जो है ना गाइस शाइनोन देखेंगे कहाँ पे। इलाइट डालना पड़ेगा क्या? 750, अरे है तो कहाँ पे, लेकिन मौत के मुंह में। ओ भाई वहाँ पे एक डिस्मो ड्यूड। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ वहाँ पे जाके उस शाइनोन को टेम करने की। भाई शाइनोन यहाँ पे कैसे और कब आ गई? पैसिव टेम है शाइनोन या क्या है मुझे पता नहीं है गाइस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं था। मैंने उसकी हेल्थ देखी थी, बड़ो पैसिव टेम है, नॉकआउट टेम है, क्या है मुझे पता नहीं है। भाई ले नीचे गिर गया मैं गलती से। ये जो साइड में डोडो देख रहे हो इसको भी टेम करेंगे हम लोग। अब ये क्या जमीन के अंदर है क्या? ओ शिट, ये क्या ब्रैचियो है भाई? डेस्मो तो मार देगा मेरे को इससे भाई, डेस्मो डूजस जो यहाँ पे वो मार देगा मेरे को। कहाँ पे ये शाइनोन? अरे अभी तो ऊपर दिख रही थी, अभी नीचे। भाई ये शाइनोन मेरे साथ गेम खेल रही है भाई। हाँ क्या जमीन? अरे शाइनोन ये हादसा मेरे साथ कैसे हो गया? ये बेचारी जमीन के अंदर कैसे चली गई? ओ ये रही पैसिव डेम है। मैं नहीं करना, तेरे को टेम कर रहा हूँ मैं, रुक। आप लगाना भाई, ये लग क्यों नहीं रहा नीचे? हाँ ओ यस भाई, सब के अंदर शाइनोन को टेम कर लिया। पिकअप भाई, बड़े कद्दे पे भी उठा लिया इसको। ए मैं इसके ऊपर बैठ भी सकता हूँ ना, लेट्स गो गाइस। रुको पहले मैं यहाँ पे भाई ट्रैकर वाला जो मॉड है गाइस वो हटा देता हूँ। भाई शाइनोन क्या टेम करिए, जमीन के अंदर ग्लिच हुई थी भाई। रुक जाओ भाई, इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ? यस, इसके ऊपर राइड करने का भी ऑप्शन है, लेट्स गो गाइस। ये देखो मुझे शाइनोन को ज़्यादा ही पसंद है गाइस, ठीक है। ये देखो हमारी प्यारी सी नन्नू सी शाइनोन। यार इसका वो लाइट बंद कर लूँ मैं, लाइट बंद कर लूँ। अरे ये तो लाइट बंद ही था, फिर भी इतना ज़्यादा रेड रेड भाई उजाला मुँह पे पड़ रहा था मेरे। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है, लेट्स गो। देख रहे हो गाइस मेरी शाइनोन? रुकना गाइस, इसकी हेल्थ में थोड़े पॉइंट डाल देता हूँ, इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा। शिट भाई, एक सिकर ने हमला कर दिया था, बाल बाल बच गया। ये देखो पागल सा चमन सा शिकर मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मेरे क्यूट से शाइनोन के ऊपर। भाई इतनी क्यूट सी बकरी को कौन मार सकता है बताओ,
देखो कितनी ज्यादा क्यूट है, देखना मुझे शायरॉन ना कुछ ज्यादा ही पसंद है। जब भी मुझे शायरॉन मिलती है ना तो मैं उसको जो है ना गाइस उठा के कंधे पे डाल देता हूँ। बट इसके ऊपर हम लोग बैठ भी पा रहे इसलिए मैं इसको जो है ना राइड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके पास कोई अटैक नहीं है गाइस, ठीक है। बस ये देखो ऐसे सिंग से मारते और लिप क्लिक पे ये ऐसे बस और कुछ नहीं, बस खत्म। ये देखना पूछ कैसे अपनी ला रही है। मुझे शायरॉन जो है ना गाइस कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती है। ओके इसका डैमेज वगैरह देखता हूँ मैं कितना जा रहा है। मैं पहले जो है ना गाइस हमारी शायरॉन को मैक्स लेवल करूंगा, तब तक मेटल भी पिघल जाएगा हमारा। ओके डोडो डोडो क्या पाई पैसिव टेम है क्या टेम है? नॉकआउट 3 मिलियन प्राइम डोडो देख रहे हो गाइस, प्राइम वाले डायनोस का टॉरपोर देख रहे हो, हमको फ्री में गाइस प्राइम वाला ऑर्डर मिल गया। यहाँ पे प्राइम वाले डायनोस का टॉरपोर देखो 3-3 मिलियन का टॉरपोर है भाई, मजाक हो रहा है क्या? और ऐसा खतरनाक सा डायनो हम लोग को फ्री में गाइस यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया फ्री में। आई एम सॉरी बाबू, भाई हेल्थ कितनी है इसकी? मुझे लगा नॉर्मल कछुआ है। I'm sorry, बाप रे 4.5 लाख। अबे ये कहाँ से आ रहा है? हट ना सिकर, कहाँ से आ रहा है ये सिकर यार? सिकर लोग हमला कर रहे यार मेरे ऊपर, हमला मेरे क्यूट से बकरी के ऊपर हमला कर रहा भाई ये सिकर चमन सा। मेरे को अपनी शाइनॉन को जो ना कहीं जल्दी से भाई यहाँ पर लेवलअप कैसे भाई जब मार मार के जा रही है देखो तो भाई शाइनॉन। रुको गाइस मुझे इसको लेवलअप करना पड़ेगा, मैं भाई थोड़े हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ, कोई भी इसको मार नहीं पाएगा भाई। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है शाइनॉन क्यूट सी, मैं तो गाइस इसके हेल्थ में ज़्यादा पॉइंट डालूंगा। इसको मैं कंधे पर लेके जाऊँगा गाइस, रुकना मैं इसको जो ना गाइस कंधे पर रख के लेके जाऊँगा। ओके ये अपने शाइनॉन को ना भाई यार हीलिंग पोशन खत्म हो गए, रुको गाइस मैं थोड़े हीलिंग पोशन बना लेता हूँ और मुझे शाइनॉन की मैक्स लेवल करनी है। क्यूटी क्यूटी पाया हमारी शाइनॉन, ओके क्यूटी पाई शाइनॉन की मुझे फटाफट से मैक्स लेवल अप करनी है यार। मुझे अच्छा ऑब्सिडियन भी तो मुझे मिल चुका है ना, देखो मुझे अभी इटर्नल वाले जो गाइस टेबल वगैरह है ना वो भी बनाने, वो भी बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा हटता कांड कर लूँ पहले, क्या करेगा भाई ना कहलाना कल बेटा हीरो बन रहा था ज़्यादा। ये मेगालोसोरस, ओह ये सोते रहने वाले मेगालोसोरस है ना, ये उठा कैसे भाई आप? अभी वो सोते रहते हमेशा, उनको ही मेगालोसोरस बोला जाता है ना गाइस। 4 लाख की गई जिसकी हेल्थ हो रही है शाइनॉन की, मैं शाइनॉन की हेल्थ इसलिए गई यहाँ पे बढ़ाई है ताकि मैं इसको कंधे पे लेके जाके जो है ना गई घुमा सकूँ। बट इतने लो हेल्थ के साथ अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो इसकी पेटी बन जाएगी कितनी, देखना गई ओनली सिर्फ यहाँ पे इसकी जो हेल्थ है वो 4 लाख ही है यार। दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसके जो हॉर्न है ना गाइस वो रेड रेड कलर में ग्लो भी कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है हमारी शाइनॉन। बट वही सीन है यार, ये देखो कंधे पे भी इसको उठा, भाई कंधे पे उठा के ये देखना यार, नहीं कंधे पे उठाने से उतनी अच्छी नहीं लग रही है, साइज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है इसके, देखना इसके गाइस जो पैर है ना वो मेरे मुँह के आर पार जा रहे हैं और ऊपर से इसकी हेल्थ जो है गाइस वो उतनी ज़्यादा नहीं है हाई, इसलिए हम लोग इसको जो है ना गाइस यहाँ पे बैठ के गाइस घुमाएंगे। ओके मैं इसको कंधे बिंदे पे भाई यहाँ पे बिठा के घुमाने नहीं वाला हूँ। डैमेज कितना जा रहा है वो 40,000 का, ओह शिट भाई रुको ये क्या चीज़ है, मरने वाला है, चलो मरने वाला है तो मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए, मरने वाला है तो मैं पहले जाऊँगा उसको मारने के लिए। ओए सांप के बच्चे हैं, कल बेटा कल भाई मार दिया भाई, तोड़ दिया फोड़ दिया भाई, उड़ गई यार उसकी डेड बॉडी से भाई डायरेक्टली। ओह शिट ये कौन है, रेडियो काइनेटिक स्पाइनो, भाई कितने क्रीचर स्पॉन हो रहे यहाँ पे, कितने क्रीचर स्पॉन हो रहे, सबकी बेटी बनाऊंगा मैं, सबकी बेटी बनाऊंगा मैं अपनी शाइनॉन से। मेरी क्यूट सी शाइनॉन जो है उसका डैमेज भी काफ़ी बढ़िया जा रहा है, मैं मार मार के भूत बना दूंगा सबको, ठीक है बेटा। चलो अभी यहाँ से मैं चुपचाप से निकल लेता हूँ अपने घर पे। ओके आपको कहीं हमारी क्यूट सी शाइनॉन जो है बॉय स्पीड भाई डायनोस के पानी पे चल रही है लिटरली, देखो गाइस पहाड़ी पे चलने वाली शाइनॉन और स्पीड देख रहे हो, फ्लैश की आत्मा भाई हमारे शाइनॉन के अंदर आ गई ऐसा लग रहा है। पानी पे देख रहा कितनी तेज, देखो स्पीड, देखो स्पीड, देखो कितनी ज्यादा तेजी से पानी के ऊपर भाई चल रही है, मजाक हो रहा है क्या भाई? एक और ऑटो भाई, एक और ऑटो, एक और ऑटो, एक और ऑटो, एक और ऑटो, रुको कौन है भाई, आई निकलो 1 मिलियन हेल्थ, ज़ोंबी डोडो, हाँ भाई ज़ोंबी डोडो के बच्चे है, शाइनॉन को कमजोर समझा हमारे, इधर जमीन पे आप पानी पे थोड़े पैर पे चल रहे हैं मेरे, इसकी तो मैं ना शाइनॉन को कमजोर समझ रखा है क्या, मैं कर करके मार देगी तेरे को, रुक जा ये सिकर को कुछ ज्यादा ही चुल मच रही है भाई। रेडियो काइनेटिक अनटेमेबल हैज चांस टू स्पॉन रैंडम मिथिकल व्हेन इट इट्स क्रॉप,
मतलब इसको अगर मारूंगा तो कोई मिथिकल डायनो स्पॉन हो जाएगा, चांसेस है मतलब स्पॉन होने के, बोल नहीं सकते बट चांसेस है। चलो देखते हैं मिथिकल में कौन सा डायनो हमको मिलता है। वैसे मिथिकल डायनो को ना मैं टेम कर पाऊंगा ना और कुछ कर पाऊंगा। इधर आ भाई, जमीन पे आ भाई, स्पीड तो है। ये कौन है पता नहीं भाई, जो भी है। अरे चलना रे, आवान दे बेटा, आवान दे ज़ॉम्बी डोडो, ज़ॉम्बी डोडो आवान दे भाई। ज़ॉम्बी डोडो वर्सेस चाइनोन भाई, एकदम घमासान युद्ध चल रहा है यहाँ पे। तू जा नानाची टांग ज़ॉम्बी डोडो, इकड़े इधर आ, इधर आ। मरने वाला है ज़ॉम्बी डोडो गाइस, मरने वाला है ज़ॉम्बी डोडो। चलना कल 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 कल, कल बेटा कल आना कल, ठीक है भाई। इसके बाद क्रॉप्स हमको ईट करने पड़ेंगे तब मिथिकल। रिपर स्पॉन हो गई भाई। ओ भाई, ओ भाई, इटर्नल इंडोमिटस डोडो रिपर 600 लेवल की। बाबा रे बाबा, वेरी वेरी डेंजरस गाइस। मार का रहा है वल्चर के बच्चे, शाइनन के हॉर्न से मार दूंगा तेरी तो मैं है। हीरो समझ रहा भाई, रिपर स्पॉन हो गई भाई वहां पे डायरेक्टली। 1.5 मिलियन टॉर्पोर है उसका। ना ना भाई, मैं घर पे जा रहा हूँ, रिटर्न मैं घर पे जा रहा हूँ भाई। गाइस कुछ ज़्यादा ही ओपी वाले रिपर स्पॉट हो चुकी है। जब हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट कोई आ जाएगा जिससे हम लोग इतना टॉर्पोर दे पाए तब उसको टेम करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए 1.5 मिलियन टॉर्पोर भाई किसी को चढ़ाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए गाइस मैंने कल्टी मार दी, और वो डोडो रिपर है ऊपर से 600 लेवल की, उससे मैं पंगा भी लेना नहीं चाहता। चलो रुको भाई, ऊपर जाने दो मुझे, ऊपर जाने दो यहाँ से भाई। टुकड़ुक 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 कर करके गाइस देखना कैसी जा रही है भाई हमारी चाइनॉन, क्यूट सी चाइनॉन है सा। ऊपर चढ़ेंगे, ओके उसको यहाँ पे रख देता हूँ। ऑलराइट, तू यहीं पे रहना चाइनॉन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक शायद से कितने बन गए भाई, काफ़ी सारे बन चुके हैं भाई। सोल गन बनाने दो, मेटल भी पिघल चुका होगा अभी तक। सोल गन, उसके बाद टेलीपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए भाई। लियो ना इलेक्ट्रॉनिक, ना इलेक्ट्रॉनिक की कमी है क्या? लियो भाई, लियो भाई, लियो भाई, ठीक है। टेलीपोर्टर का रिमोट यहाँ पे लगेगा, सोल गन जो है गाइस वो यहाँ पे लगेगी, टेलीपोर्टर जो है गाइस वो हम लोग लगा देंगे अपना यहाँ पे, और इसको नाम दे देंगे गाइस हम लोग होम, ठीक है। ये हमारा होम वाला टेलीपोर्टर। एंड खाना ये ले भाई, खाना भी खा लेते। डन डना डन डन, मेटल वगैरह पिघल रहा है। अभी मुझे इटर्नल वाले जो बेंच वगैरह है ना गाइस वो बना लेने, इटर्नल इटर्नल वाली स्मृति आप जिसको बोल सकते हो वो बना लेने हैं मुझे। भिन्न भिन्न प्रकार के इटर्नल बेंच यहाँ पे बनते हैं, सारे बेंच बना के मैं लाइन से लगा के रख दूँगा, ओके। सारे बेंच को हम लोग लाइन से लगा के रखेंगे। बैरो को इसको पिकअप करने दो, ऐसा अगर टेढ़ा लगाऊंगा ना तो भाई थोड़ा जगह ज़्यादा जाएगी। इनको लगाओ कॉप पे सारे बेंच एक, अच्छा यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे जगह तो है, तीन बेंच है टोटल ना। पहला इधर बेंच लगेगा, दूसरा बेंच उसको चिपक के यहाँ पे, उसके बाद जो तीसरा बेंच है वो इसके साइड में लग जाएगा यहाँ पे। काफ़ी जगह, बहुत जगह है भाई, वो जगह। रुको इसको पिकअप कर लो भाई, पिकअप कर लो, रुको रुको रुको, अरे बहुत जगह है। लाइक दिस, टड़ा। चलो तीनों के तीनों जो है बेंच इटर्नल वाले वो यहाँ पर लग चुके हैं, काम 25। ओके अभी और क्या करना है हम लोग को, अभी गाइस क्रॉसबो बनानी है मुझे, क्योंकि मेरे पास वेपन जो है ना गाइस वो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी। सो मैं दो क्रॉसबो बनाता हूँ, उसमें से एक क्रॉसबो को हम लोग जो है गाइस यहाँ पर अपग्रेड करेंगे, और एक क्रॉसबो जो होगा उसको हम लोग ग्रैपलिंग हुक लगाएंगे, जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पे जो है ना गाइस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वाला जो क्रॉसबो है इसके ऊपर ग्रैपलिंग हुक लगेगा, और दूसरा जो, अरे मेटल है क्या मेरे पास? लेकिन इसको अपग्रेड तो करने के लिए जा रहा हूँ मैं, बट शायद से मेटल की कमी हम लोग को थोड़ी सी पड़ सकती है। ओके वुड फाइबर वगैरह की कमी नहीं पड़ेगी, थोड़ी मेटल की कमी जो है गाइस वो पड़ सकती है। हाइड हाइड शायद से मेरे ऑर्डर के अंदर है, मुझे थोड़ा हाइड चाहिए। हाइड एक मिनट रुक जाओ, हाइड मैंने यहाँ पे डाला था, रुको हाइड शायद से यहाँ पे डाला था ना, हाँ सारा हाइड यहाँ पे, और गैसोलिन भी है। चलो लेट्स गो, गैसोलिन भी है। रुको इसको टर्न ऑफ करने दो, क्योंकि यहाँ पे
जो चीज़ें बनाने के लिए मैंने डाली थी वो बन चुकी है। ठीक है, ये मेटल लेने दो मुझे। इसकी मदद से जो क्रॉसबो है उसको फुल मैक्स असेंडेड वाला कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और कितना मेटल है हमारे पास टोटल? मेटल इनगट गिन के भाई 164। मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा अपग्रेड मैं अपनी क्रॉसबो को कर पाऊँगा, क्योंकि मेटल इनगट जो है गाइस वो अभी तक पिघला नहीं है, नहीं मैक्स लेवल भी नहीं हो पाएगी है। चलो कोई ना, हमारे पास इटर्नल वाला बोला जो है गाइस वो है, उसकी मदद से हम लोग स्टिल अभी नॉकआउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, कुछ डायनोस को एटलीस्ट। रुक जाओ मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दूँ। ठीक है चलो, ट्रैंक वाली एरोज वगैरह कहाँ पे बनती हैं? ट्रैंक वाली एरोज से अच्छा ना ट्रैंक टॉर्पोर देने वाले डायनोस मुझे टेम करने चाहिए, और वही मैं शुरू करूँगा भाई। रुको, अब मुझे एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे मीट बनाना पड़ता है ना हम लोग को अगर टेम करना है तो हमको। हाँ, ये मीट बनाना पड़ता है, ये वाला मीट। इसके लिए डायनो हार्ट, डायनो डीएनए शीएनए चाहिए होते हैं हम लोग को गाइज। मैं जो ना गाइस क्रॉपलॉड्स भी यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, क्रॉपलॉड भी लगा दूंगा, एक का डबल करने वाले हमारा जो सीड फार्म वाला मॉड है ना उसके जो क्रॉपलॉड्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं ना, जो भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग को चीज़ें है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना सके। ओके, एक का डबल कर सके, इसलिए मैं क्रॉपलॉड भी लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। एक फीडर लगा देता हूँ, रुको, सारी की सारी चीज़ें जो है ना गाइस आज यहाँ पे मैं कर दूंगा। एक फीडर जो है वो यहाँ पे लगेगा, इसके अंदर जो है गाइस सारा मिट जाएगा, एंड अगर कुछ बेरीज है तो वो भी डाल देता हूँ। ठीक है चलो, डन। ओके, अभी हमारे डायनो जो है गाइस वो आराम से यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो खा पाएंगे। यहाँ से थोड़ी बेरीज निकाल के मैं फीडर के अंदर डाल देता हूँ। ओके, और हमारा काम 25 हो चुका है, लेट्स गो गाइस। तो आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे हो जाता है समाप्त। आज हम लोग ने टेलीपोर्टर बनाया, सोलगन बनाई, और प्यारी सी छोटू सी नन्नू सी मुन्नू सी जो है गाइस हम लोग ने इलाइट वाली शाइन ऑन जो है उसको भी टेम करने का काम करा है। सो आपको हमारी जो इलाइट वाली शाइन ऑन जो है वो कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क इटर्नल के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.